खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। दुमका डीसी ने विधायक प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। राजधानी दुमका समाहरणालय सभागार में डी और एसपी ने विधायक एवं प्रतिनिधिगण के साथ कोविड 19 से संबंधित बैठक की गई। बैठक में डीसी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि विधायकगण, विधायक के प्रतिनिधिगण, मीडिया एवं जनता के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा जिला को कोरोना मुक्त रखने में सफल रहा है। सभी के सहयोग से इस जंग को जीतेंगे। उन्होंने कहा कि दुमका जिला के लगभग 13,000 लोग अन्य राज्यों एवं जिले में फंसे हुए हैं। सहायता ऐप में अन्य राज्यों एवं जिलों में फंसे हुए लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। सभी को लाने की व्यवस्था की जा रही है। क्वारंटीन सेंटर में दूसरे राज्यों को एक भी व्यक्ति नहीं है। सभी को उनके घर भेज दिया गया है। दूसरे राज्यों एवं जिलों से आने वाले प्रवासी नागरिकों के लिए आउटडोर स्टेडियम में व्यवस्था की गई। प्रवासी नागरिकों के स्वास्थ्य जांच, डेटाबेस संकलन, सिकल निबंधन आदि के लिए काउंटर बनाया गया है। प्रवासी नागरिकों के आते ही उनका स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य जांच कर उन्हें भोजन कराने के उपरांत राशन के साथ साथ उनके घर पहुंचाया जा रहा है। सभी को 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया गया, जिसकी निगरानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी। स्वास्थ्य खराब रहने की स्थिति में क्वारंटीन सेंटर में रखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सैंपल लेकर जांच हेतु भेजा जाएगा। सभी नागरिकों से राशन कार्ड एवं मनरेगा जॉब कार्ड की सूचना लेकर डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। यदि कोई मजदूर क्वारंटीन अवधि समाप्त होने के उपरांत जिले में ही कार्य करना चाहते हैं तो उनका जॉब कार्ड बनवाया कर मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। प्रवासी नागरिकों को अपने क्षेत्र में रहने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में माइकिंग के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार का भ्रम ना फैले। उपायुक्त ने बताया कि कई माह तक का राशन सभी लाभुकों को वितरण कर दिया गया है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका आकलन कर लगभग सभी को राशन दे दिया गया है। यदि राशन समाप्त हो जाता है तो वह अपने मुखिया या प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर राशन प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री दीदी किचन एवं मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र के प्रतिदिन लगभग 25,000 से अधिक लोगों को भोजन कराया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि राशन वितरण करने में लापरवाही बरतने के कारण 18 पीडीएस दुकानदारों को स्पष्टीकरण किया गया है। कोविड 19 के संदिग्ध एवं कन्फर्म मरीजों के उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधुबन एवं मोहुल पहाड़ी क्रिश्चियन अस्पताल मोहुल पहाड़ी को कोविड केयर सेंटर के लिए दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका को डेडिकेट कोविड हेल्थ सेंटर के लिए दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के लिए एवं नव निर्मित अस्पताल हंसडिया के लिए चिन्हित किया गया है। जिले में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हैं। स्वास्थ्य जांच से संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या जिले में नहीं है। उपायुक्त ने बताया कि मनरेगा में लगभग 3,000 से अधिक योजनाओं को चालू कराया गया है, जिसमें मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कार्य कर रहे हैं। जल संरक्षण योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। सभी मनरेगा मजदूरों को 31 मार्च तक का बकाया भुगतान कर दिया गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी गाँव में खराब चापाकल को मरम्मत करने के लिए पीएचडी विभाग को निर्देश दिया गया है। जहां चापाकल की आवश्यकता है वहां पर अधिष्ठान करने को कहा गया है। इस दौरान विधायक नलिन सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष जॉयस बेश्रा सहित विधायक प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी एवं कोरोना से लड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। बैठक में सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक नलिन सोरेन, पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा, जिला परिषद अध्यक्ष जयेश बेश्रा, जामा एवं जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधिगण एवं जिला के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट।